सरकारी संस्थाओं के निजीकरण को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। गुरुवार को संविधान चौक में प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी की गई। संघ के विदर्भ और नागपुर जिला संगठन के पदाधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार मनमानी तरीके से निजीकरण कर रही है। रक्षा विभाग, बैंक, भारतीय संचार निगम, एयर इंडिया, वेकोली, एनटीपीसी, आईबीएम को निजी कंपनियों को सौंपा गया है। श्रमिक संगठनों के विरोध के बाद भी केंद्र सरकार निजीकरण मामले में अनियंत्रित निर्णय ले रही है। राष्ट्रीयकृत बैंकों का मनमानी तरीके से एकत्रीकरण किया गया है। सरकार के विरोध में प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन में नीता चौबे, रविंद्र हिमते, सीवी राजेश, शिल्पा देशपांडे, गजानन गटलेवार, रमेश पाटिल, सुरेश चौधरी सहित अन्य पदाधिकारी थे। हमने इस देश में नए साफ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शुरू किया है। इसका ऑनलाइन के माध्यम से पूरे देश भर में उद्घाटन हुआ, लेकिन इसके ये सभी इस देश की जनता को बताया गया, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई भी हमको जानने की आवश्यकता है। इस देश में जो 41 ऑटोस फैक्ट्रियां पिछले जिसका इतिहास 220 सालों का है, उस ऑटोस फैक्ट्रियों को जो गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत काम कर रही थी, उस ऑटोस फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया है और आने 1 अक्टूबर 2021 से उन्हें जो पिछले 220 सालों से इस देश के लिए काम कर रही थी उन्हीं फैक्ट्रियों को नए डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के नाम से लोगों के सामने प्रोजेक्ट किया गया है, जो कि ये नहीं बताया गया कि ऑलरेडी 41 फैक्ट्री जो इस ऑटोस फैक्ट्रियों में काम कर रही थी उसको बंद कर दिया गया है, उसको पब्लिक सेक्टर के तहत लाया गया है, ये सरकार के माध्यम से नहीं बताया गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCA न्यूज़ नागपुर।